हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुषमा क्रिएटिव गार्डन में। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ ये खूबसूरत प्लांट, ये हैंगिंग प्लांट्स है। हैंगिंग ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसका नाम है टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट बहुत ही खूबसूरत लगता है, ईजी टू ग्रो प्लांट होता है ये, बहुत ही हार्डी होता है और हैंगिंग में इसे लगाएं बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, गार्डन बहुत सुंदर दिखता है इससे। लेकिन इस पौधे को जब भी लगाएं फ्रेंड्स, तो इसे ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे धूप ना आती हो। धूप में ये पौधा खराब हो जाता है, इसकी पत्तियाँ जो हैं देख रहे हैं आप पीली पीली सी हो गई हैं, तो ये सब धूप इसमें लगने के वजह से ऐसा हुआ है। अभी जैसे जैसे अब थोड़ी गर्मी कम हो रही है तो मेरी बालकनी में धूप थोड़ी ज़्यादा आने लगी है, तो इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने का सोचा है। तो इसे ऐसी जगह पर आप लगाएं जहाँ पर धूप नहीं मिलती हो, ब्राइट लाइट मिलती हो। इसे आप चाहें तो विंडो में भी लगा सकते हैं या फिर कहीं पे भी लगाएं, ब्राइट लाइट मिले, धूप से बचाना है इसे। अगर इसकी खूबसूरती चाहिए तो ये ऐसे ही पौधा बहुत ही सुंदर दिखता है। और ग्रीन जब ये पूरा इसकी पत्तियां कलर जब पूरी ग्रीन होती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। देखिए, इसको मैंने ऊपर से नीचे अभी रखा है, ये हैंगिंग में लगा हुआ है। इसको पॉट में भी आप लगा के रख सकते हो, छोटे छोटे से पॉट में ये ग्रो कर जाएगा और बहुत इजी ग्रो होने वाला पौधा है टेंगल हार्ट। और इसमें पानी कम चाहिए होता है इस पौधे को, पानी का देखिए यहाँ से इसकी पत्तियाँ सूख के झड़ते भी रहती हैं। इस पौधे को पानी बहुत कम चाहिए, इसे दो दिन में तीन दिन में एक बार पानी दे दीजिए, बहुत आराम से चलेगा। इसकी पत्तियों में पानी भरा होता है, काफ़ी पानी भरा होता है और इसके रूट बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं झेल पाता है। और इंडोर होने की वजह से पानी सूखता भी कम है, इसमें धूप नहीं लगती है, ब्राइट लाइट में ये चलता है तो पानी इसमें सूखता भी बहुत है। तो इसको छोटे से छोटे हैंगिंग प्लांट्स में आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है ये। इसे फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए, बहुत कम फर्टिलाइज़र में ये काफ़ी हेल्दी बना रहेगा। इस पौधे को कम फर्टिलाइज़र, इसे पानी कम चाहिए और धूप तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। धूप में इसकी कंडीशन देख रहे हैं किस तरीके से हो गया है। तो ऐसे पौधे हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए जो इतना कम मेहनत के साथ चलता हो और बहुत ही खूबसूरत लगता हो। इसको ग्रो करना भी बहुत इजी है, इसको छोटे से छोटे पॉट में आप लगाएं और बहुत जल्द फास्ट ग्रो करता है ये। इसके लिए मिट्टी बनाएं हल्की, अगर हैंगिंग में लगाते हैं तो थोड़ी हल्की मिट्टी होनी चाहिए, इसलिए कि इससे वजन बढ़ता है थोड़ा, तो मिट्टी हल्की बनाएंगे तो अच्छा रहता है, पॉट हल्का रहेगा। तो इसके लिए जो भी पॉट में आप तैयार करते हैं मिट्टी, इसकी कटिंग इस तरीके से लीजिए, इस तरीके से। अब पॉट में अब जब मिट्टी नई बना रहे हो फ्रेंड्स, तो रिवर सैंड और नॉर्मल गार्डन सॉइल कंपोस्ट तीनों मिक्स कर लीजिए बराबर बराबर और फिर इसे लगाइए। इसको लगाने के लिए इस तरीके से लगाएं इसे, इसमें जो भी नोड एरिया होता है वो नीचे से बहुत जल्द इसमें रूट बना लेगा और ऊपर से फिर इसमें ढेर सारे ब्रांचेज भी आने लगेंगे और फिर आपका पौधा घना हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, बहुत ज़्यादा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। बहुत कम टाइम में ये पौधा घना हो जाता है और खूबसूरत दिखता है। इसमें इस तरीके से शावर कर दीजिए, जब तक इसमें
ये पौधा चल नहीं जाता है, ऐसे ही सावरिंग कीजिए। 2 दिन पे 4 दिन पे जब देखिए कि ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखने लगी है, फिर इसमें पानी दीजिए। और इसमें फर्टिलाइजर साल में 2 बार ही चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो अभी दे सकते हैं और दूसरी बार जब दें फरवरी महीने में देते, इतने में ये पौधा काफ़ी हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और इसको इंडोर रखिए, इंडोर रखने पे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी पत्तियों का कलर बहुत अच्छा लगता है। ट्रायंगल हार्ट को आप जैसे लगाएं, पॉट में भी लगा के आप रख सकते हो, हैंगिंग में भी लगा के रख सकते हो। इसमें पानी तभी देना है जब ऊपर से मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए, सूखने लगे, फिर इसमें पानी दीजिए, तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा पौधा और हेल्दी भी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।